अधिवक्ता को यूरोपी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अधिवक्ता की हालत को गंभीर देखते हुए हार्ट सेंटर रेफर कर दिया गया। आपको बता दें कि रूड़की बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट अरविंद पवार आज सुबह अपने बच्चे को जब स्कूल छोड़ने के लिए रवाना हुए थे, तभी रास्ते में दो व्यक्तियों ने अरविंद पवार को घेर लिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई कर दी, जिससे वकील घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल अधिवक्ता को रूड़की के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अधिवक्ता की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रवाना कर दिया गया। किराएदार थे वकील साहब ने, किराया मांगा मुझसे, तो किराया तो देंगे, गाड़ी क्लोज भी करके तीन दिन पहले घर पर आया था, और गाड़ी क्लोज करने को जो है उन्होंने वकील साहब ने एफ आई आर करा दी थाने में 17 तारीख। उसके बाद आज सुबह जो है बच्चे को जो है स्कूल में छोड़ जाते हैं, तो गंगा थाने वाले रोड पर वहाँ जिम है, जिम के सामने तीन जने थे और उन्होंने जो है लाठी डंडे से बाप और बेटा को मिली और रहने वाले हैं टिकट और चोट ज्यादा है, बहुत ज्यादा चोट।